आज 24 फरवरी 2021 को भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के साबरमती में बने खूबसूरत और दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का तीसरा यानी पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जा रहा है। लेकिन इतनी चर्चा इस डे नाइट टेस्ट मैच की नहीं हो रही जितनी चर्चा मोटेरा स्टेडियम के नाम बदले जाने को लेकर हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नाम बदले जाने को लेकर सरदार पटेल का अपमान बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर और मैं हूं आपके साथ आदित्य तिवारी। अहमदाबाद के साबरमती में बने खूबसूरत और दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। अब इस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, नए नाम के साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच से तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इतनी चर्चा इस डे नाइट टेस्ट मैच की नहीं हो रही जितनी ज़्यादा मोटेरा स्टेडियम के नाम बदले जाने को लेकर हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और इस नाम बदले जाने की प्रक्रिया को सरदार पटेल का अपमान बता रहे हैं। इसके साथ ही वो लोग प्रधानमंत्री को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही ट्वीट आप भी देखिए। इस स्टेडियम के बारे में कुछ खास बातें हैं जिसको हम आपको बताने वाले हैं। अहमदाबाद में बना यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर 1,32,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा ग्राउंड था, जिसकी दर्शक क्षमता 90,000 थी। मोटेरा का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है। मोटेरा के पिच पर 1987, 1996 और 2011 के ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचों का आयोजन हुआ है। 63 एकड़ की जमीन में बनी इस स्टेडियम की खासियत यह है कि इसमें 4 ड्रेसिंग रूम हैं, 1 ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, 76 कॉर्पोरेट बॉक्स हैं। हर कॉर्पोरेट बॉक्स में कम से कम 25 व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक इंडोर क्रिकेट एकेडमी, बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट, स्क्वैश, टेबल टेनिस एरिया, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड और 50 कमरे हैं। इसके सभी 76 कॉर्पोरेट बॉक्स को अभी से ही 2.5 करोड़ रुपए की दर से 25 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। काली और लाल मिट्टी से बनी यहाँ 11 पिचें हैं जिन पर मैच खेले जाएंगे। इसका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से सिर्फ 30 मिनट में ही बारिश का पानी आसानी से निकाल दिया जा सकता है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने मोटेरा में ही पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपने 10,000 रनों के आंकड़े को पार किया था और इतिहास बनाया था। यही नहीं, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव मोटेरा में 1995 में 432वां विकेट उन्होंने लिया था और तब वो दुनिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों के मामलों में सर रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुके थे। सचिन तेंदुलकर ने इसी स्टेडियम में 30,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए और यही नहीं, सचिन ने वनडे क्रिकेट में अपने 18,000 रन भी इसी मैदान पर ही पूरा किया था। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने भले ही टॉस जीता हो, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज नतमस्तक हो गए हैं। इस वीडियो के बनते समय तक इंग्लैंड की टीम 112 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। भारत के लिए ईशांत शर्मा ने 1, अश्विन ने 3 विकेट चटकाए, वहीं लोकल बॉय अक्षर पटेल ने इस मैच में 6 विकेट चटकाए हैं। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा मुश्किल में नजर आ रही है। भारतीय टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है और 34 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी है। हालांकि इस मैच के बारे में और कुछ भी जानना हो आपको तो हमारे साथ बने रहें। क्रिकेट से जुड़े और ऐसे वीडियोस देखने के लिए फौरन सब्सक्राइब करें क्रिकेट एडिक्ट और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।